मेरा तरीका कहाँ था सर? वो तो बाजीराव सिंघम का तरीका था। हर रास्ता जीत कर दिखाना, ताकत जो। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन पुष्पा 2 से क्लैश नहीं करने वाली न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया, पर इससे कई फैंस नाराज जरूर हुए हैं। पर आपको ये जानकर अभी बहुत खुशी होगी कि कॉप यूनिवर्स की पहली लेडी कॉप यानी दीपिका पादुकोण के सिंघम अगेन के सेट से कुछ पिक्चर्स वायरल हो चुकी है। दीपिका सिंघम अगेन में शक्ति शेट्टी नाम की लेडी कॉप का कैरेक्टर निभाने वाली है, जो अजय की बहन के कैरेक्टर में नजर आएंगी। अब जो पिक्चर्स वायरल हो रही है उसमें दीपिका खाकी वर्दी में नजर आ रही है, उनके आसपास खड़े लोग गुंडे के कैरेक्टर्स में है और वहां पर डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि शायद वहां पर कोई एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा हो। वैसे जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं उसमें दीपिका का बेबी बंप तो नहीं दिख रहा, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि ये पिक्चर अभी की है या पहले की। पर पिक्चर्स अगर अभी की होंगी तो वो एक्शन सीक्वेंस दीपिका के बॉडी डबल्स के जरिए शूट होगा, क्योंकि दीपिका प्रेग्नेंट है। वैसे दीपिका ने बहुत अरसे पहले ही सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू की थी और फिर बीच में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी, जिसके बाद अब जाकर वो बचे कुछ कामों को निपटाने वाली है। वैसे सिंघम अगेन में दीपिका का कैरेक्टर सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, क्योंकि रोहित के दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं। वैसे अगर बात की जाए बाकी कैरेक्टर्स की तो उन्होंने सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स पर फिल्में बनाई हैं। उसी तरह वह शक्ति शेट्टी पर भी एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाने वाले हैं। वैसे ये तो खुशी की बात है क्योंकि इसमें दीपिका को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वह हर कैरेक्टर शिद्दत से निभाती हैं और उसमें भी वह कॉप बनकर वायलेंस दिखाएंगी। वैसे बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इस फिल्म में एक जबरदस्त डांस नंबर होने वाला है जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ सभी मौजूद होंगे। प्रेगनेंसी की वजह से दीपिका नहीं होंगी, पर 17th ऑफ अप्रैल को 400 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ गणेश आचार्य इसे कोरियोग्राफ करने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब फिर से खलीबली होने वाला है। वैसे अभी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगभग खत्म होने वाला है, पर अभी बहुत काम निपटाना है, इसलिए तो ये फिल्म अगस्त में नहीं बल्कि दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। खैर, पर ये बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है दीपिका जैसी बैडएस कॉप को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज़।